हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। ये देखिए, ये हमने राजहंस का तोरण बनाया है। बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। अगर आपको मेरा तोरण बनाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए इस खूबसूरत तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि यह हंस हमने कैसे बनाया है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। यह हमारा वो फाइट कलर है और इससे हम हंस को शेप देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार चेन लेंगे, 1 2 3 4, इसे ज्वाइंट कर लेंगे हम। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर जो हमें चार चेन ली है वहाँ पर हम इस चेन के छोर में यहाँ पर हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। दूसरी चेन में भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तीसरी चेन में भी हम यहाँ पर दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम चौथी चेन में भी दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड ख़त्म हो चुका और यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है ताकि पता चल सके कि यहाँ पर हमारा राउंड ख़त्म होता है। अब फिर हम इसी अब यहाँ पर हम इसी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। यह हमारा दूसरा राउंड है और सभी चेन में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा राउंड ख़त्म हो चुका और यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम तीसरे राउंड में यहाँ पर दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर इस चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर दूसरी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर तीसरी चेन में हम फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इसी तरह हमें पूरा राउंड ये कंटिन्यू करना है। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया। यह हमारे तीन राउंड कंप्लीट हो चुके। अब हम यहाँ से चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। पहली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर चौथी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसी तरह ये हमें चौथा राउंड भी इसी तरह कंटिन्यू करना है। ये हमारे चार राउंड कंप्लीट हो चुके। यहाँ से हम पांचवा राउंड शुरू करेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा खींच रहा है ऐसे, तो आप एक बार और सिंगल क्रोशिया ऐसे डाल सकते हैं ज़्यादा। पांचवें राउंड में भी हम ऐसा ही करेंगे। चार चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे और पांचवी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हम पांचवा राउंड भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए, हम पांचवा राउंड कर रहे हैं। यह हमारा पांचवा राउंड भी ख़त्म हो चुका और यहाँ पर हम छठा राउंड स्टार्ट करेंगे। सेम वैसे ही करना है हमें जैसे पांचवे राउंड में किया था। चार चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और पांचवी चेन में हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। और अगर आप
आपको लगता है कि थोड़ा सा खींचता है तो एक बार और सिंगल क्रोशिया ज़्यादा डाल दें। ये देखिए, ये हमारा जो छठा राउंड है वो हमें यहाँ तक ही करना है। तो इस साइड हमारे 5 राउंड रहेंगे और इस साइड हमारे 6 राउंड रहेंगे, और फिर हम इसे यहाँ पर टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये हमने 8 चेन में ही सिंगल क्रोशिया डाला है। यहाँ से हम फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम 1 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब इस लाइन में हमारे 7 सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं, पहले 8 और यहाँ पर 7। फिर 1 चेन लेंगे और फिर 1 चेन छोड़कर यहाँ पर दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 4 और फिर 5, और फिर हम यहाँ पर फिर से टर्न कर देंगे और 1 चेन छोड़कर 1 चेन लेंगे और 1 चेन छोड़कर यहाँ दूसरी चेन में हम डालेंगे। और इसे हम फिर से टर्न करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हमारे 3 ही रहेंगे सिंगल क्रोशिया, 2 और 3। फिर इसे हम टर्न करेंगे और यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही रहेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम यहाँ से फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम 1 चेन लेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे और इसे फिर से हम टर्न करेंगे और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह यूँ बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो ये हमारा हिस्सा है यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये लुक कुछ इस तरह आएगा। फिर से हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इससे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये देख लीजिए, फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमारा ये जॉइंट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5।
अब ये जो तीन है इसमें भी हम 5 बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे सिंगल क्रोशिया की। एक चेन लेके यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे, ये देख लीजिए। सिर्फ हमें सिंगल क्रोशिया की पाइपिंग करनी है। तो ये देखिए ये हमने पाइपिंग कर ली है यहाँ तक। फिर यहाँ पर हम फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो हम 1 चेन छोड़कर ये जो दूसरी चेन है यहाँ पर हम इसे डालेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 1 चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर 1 चेन छोड़कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और 1 चेन छोड़कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगा। और ये जो बुलन है उसे हम पीछे ले लेंगे। और यहाँ पर हम अब सिंगल क्रोशिया करेंगे। हम 4 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे यहाँ पर, 3 और 4, और दूसरे में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये हमने चारों कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे इसे। यहाँ पर हमने 7 चेन छोड़ दी है और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऑफ वाइट कलर ले लिया है हमने। और यहाँ पर हम 8 चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये गोल के जगह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और यहाँ से फिर से हम पिंक कलर ले लेंगे। और यहाँ पर हमें सिर्फ चेन बनानी है। चेन हम कुछ इस तरह बनाएंगे। ये देखिए हमें सिर्फ यहाँ पर चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह हम बनाते जाएंगे, पूरी चेन कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए हमने चेन बना ली है, पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, फिर से टर्न कर देंगे, उसके बाद 4 चेन लेंगे। और 4 चेन लेने के बाद हम 1, 2, 3, 4 चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। इसी तरह हम 4 चेन लेंगे फिर से। और यहाँ पर हम 4थी चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर हमने 4 चेन ली है और फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चौथी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा राउंड ख़त्म हो चुका। अब हम यहाँ से फिर से टर्न करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, 1
दो तीन चार पाँच ये देखिए पहले हम यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर पांच बार हम डबल क्रोशिया डाल देंगे। जैसे हमने ये कंप्लीट किया है वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम पांच बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे हंस का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हंस की गर्दन और सर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तीन चेन लेंगे, फिर इसे जॉइंट कर देंगे। ये जॉइंट करने के बाद हम एक पहली चेन में यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ दूसरी चेन में भी दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ पर तीसरी चेन में भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। और यहाँ पर हम इसे फिर से जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है वहीं पर हम एक चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ दूसरी चेन में भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तीसरी चेन में भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। और यहाँ पर चौथी चेन में भी हमने दो बार सिंगल क्रोशिया डाला है। फिर हम यहाँ पर 16 चेन लेंगे, एक दो तीन, ये हमने 16 चेन ले ली है। फिर से हम यहाँ पर तीन चेन लेंगे और तीन चेन के बाद यहाँ चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर दूसरी चेन में भी हम डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह ये हमें बाकी जो बची चेन है उसमें भी हम डबल क्रोशिया डाल देंगे। अब हमने सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाल दिया है और हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद इसे हम उल्टा करेंगे ऐसे और इसकी चोंच यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर इसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालेंगे, दूसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे, तीसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर इसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ देंगे और फिर उसके बाद दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसे अब कट कर लेंगे। तो ये हमारी चोंच कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हम सुई धागे से मोती लगा देंगे। ये देखिए ये हमने मोती लगा दिया है सुई धागे से। तो ये हमारे हंस का एक और पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये मार्क निकाल देंगे और यहाँ पर ये मोती लगा देंगे। ये भी हम सुई धागे से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मोती लगा दिए हैं ऐसे और हमें तीन पीसेस बनाने हैं।
एक ये हमारा है और ये दो हमने और बना लिए हैं, ये देखिए। ये देखिए ये हमने तीन पीस बना लिए हैं। ये हमने 18 चेन ली हैं और यहाँ पर इसे हम जॉइंट करेंगे और एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बेल्ट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने डिवाइड किया है। तो पहले हमने जो यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया डाला था वो एक यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये जो है वो हमारे 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 10 पर हम मार्क लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है और यहाँ पर बीच में हमें 5 5 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 रहेंगे, फिर यहाँ पर हमारे 10 रहेंगे, फिर यहाँ पर फिर से हमारे 5 रहेंगे और फिर यहाँ पर हमारे 10 रहेंगे। तो इस तरह हम बेल्ट को डिवाइड करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने जो ये बीच में डिवाइड किया है तो हम ये बीच में पहले लगाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह से यूँ लगाना है। ये देखिए ये जो हंस की गर्दन है, यूँ हमको इस तरह से गोल यहाँ पर सुई धागे से लगानी है। यहाँ पर हम चिपका नहीं सकते इसे, क्योंकि आप वॉश नहीं कर सकते हो, ग्लू से अगर आप चिपकाओगे तो ये निकल जाएगा। तो ये देखिए ये हम सुई धागे से इस तरह से लगाएंगे इसे। तो सबसे पहले हम इसके मुंह को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, इसे आपको गोलाई में रखना है। और ये देखिए हमने वाइट धागा ही लिया है। तो यहाँ पर ऐसे हम इसे लगाते जाएंगे। तो ये हमारा मुंह जो है बेल्ट पर लग चुका है। अब ये हम ये हिस्सा है यहाँ पर कुछ इस तरह लगाएंगे, ये भी हमें सुई धागे से ही लगाना है। ये देखिए ये कंस हमने लगा दिया है और यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ दोनों पर हम लगा देंगे इसी तरह सुई धागे से। ये देखिए हमने तीनों हंस लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने ये काज लगा दिया है और यहाँ पर हमने एक नया डिज़ाइन भी बनाया है। तो ये हमारे प्लास्टिक के काज है, इसे हम पहले सुई धागे से अटैच कर लेंगे यहाँ पर। तो पहले हमने ये धागे से लगाया है, फिर इसके ऊपर हम रिंग भी ऐसे ही लगाएंगे। देखिए हम ऐसे ही सुई धागे से लगा देंगे। तो ये कांच हमने ऐसे लगा दिया है। यहाँ पर जो हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बनाया है, सेम वैसा ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्क लगाया था वहाँ पर हम 6 चेन लेंगे, 1 2। तो ये 6 चेन हमने ले ली है और इसे यहाँ पर हम लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिर से 6 चेन लेंगे। और इसे यहाँ पर लगाएंगे।
इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। ये तीन हमने लगा दिया है, यहाँ पर दो बार और लगाएंगे, एक और दो। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और ये मार्क अब हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ से फिर से टर्न करेंगे इसे और इसे एकदम लंबा खींचेंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक दो और तीन, तीन चेन छोड़कर यहाँ पर दोनों के बीच इस तरफ तीन चेन और इस तरफ तीन चेन, और यहाँ पर हम इसे डालेंगे। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और फिर से हम यहाँ पर छह चेन लेंगे और इस छह चेन को यहाँ पर भी हम तीन चेन गिन के एक दो और तीन, और इस तरफ भी एक दो और तीन, फिर यहाँ पर इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह डिज़ाइन बनेगा और इसी तरह ये राउंड भी हमें इस तरह कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये देखिए, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब हम यहाँ पर फिर से टर्न करेंगे और इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर तीन चेन छोड़कर एक दो और तीन, और यहाँ पर ऐसे हम फिर से डाल देंगे। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर से हम यहाँ पर छह चेन लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे एक दो और तीन। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा और यहाँ से हमने कट कर लिया है। यहाँ से हम पिंक को ज्वाइंट करेंगे वापस। यहाँ पर हमने पिंक ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पर हमने तीन चेन ली हैं। फिर इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और राउंड बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। फिर से हम तीन चेन लेंगे और फिर इस में हम 10 बार हमारे डबल क्रोशिया डालना है इस राउंड में। यहाँ पर देखिए हमें 10 बार डबल क्रोशिया डालना है, एक दो तो ये देखिए हमने यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। और अब हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये हमारा तोरण पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।